हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विजन क्लासेस के अंदर। एग्रीकल्चर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो JITR BHU के अंदर बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं, उनको आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, और पहले आप इसके बाद जुड़ जाइए जिससे कि हम इसको शुरुआत कर सकें, और इसको पहले लाइव टेस्ट को आप विभिन्न प्लेटफॉर्म जो हमने बना रखे हैं जैसे कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन पर सारों पर शेयर कर दो यार। जैसे क्या है कि दोस्तों वगैरह पर शेयर करने से क्या होगा कि वो भी इस लाइव क्लास का लाभ ले सकेंगे, इन्जॉय कर सकेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं इस लाइव सेशन की जो डेली 4 बजे आपका यहाँ पर होता है, ठीक है ना। एग्रीकल्चर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि JITR एवं BHU के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा आपके यूजफुल होते हैं, पहले फटाफट से लाइव जुड़ जाओ। डेली 4 बजे ये क्लास होती है, और दूसरी बात ये है कि थोड़े दिनों बाद हम क्या करेंगे कि एक नया सेशन लाने वाले हैं जो 150+ क्वेश्चंस का होने वाला है, ठीक है। हेलो सर, बिल्कुल हेलो आपको भी अनुज जी। ये जो सेशन होने वाला है आपके एग्रीकल्चर से, जैसा कि अपने जेट के अंदर जो एग्ज़ाम पेपर आता है ना, सेशन होने वाला है आपके जो जेट के अंदर जैसे पेपर होता है वैसा ही पेपर यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं आपको, और वो ऑनलाइन होगा परफेक्टली। और 8 बजे, एक बार और यहाँ पर ध्यान देना कि 8 बजे आज अपनी इवनिंग में भी एक क्लास होने वाली है जो कि क्या होने वाली है, सरप्राइज़ क्लास होने वाली है। उसको ज्वाइन करना है क्योंकि वो एक मैटर मुझे लगा कि ख़त्म कर देना चाहिए एक बार, वो एक बार की क्लास में उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि क्या काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उपनाम पूछे जाते हैं कि निम्न में से जैसे गेहूं को क्या कहते हैं, फेमस नेम क्या है गेहूं क्रॉप का, मक्का का फेमस नाम क्या है, गुलाब किंग ऑफ फ्लावर कौन है, क्वीन ऑफ फ्लावर कौन है, तो ऐसे जो उपनाम है ना उनकी ये क्लास 8 बजे आपके यहाँ पर आने वाली है। तो एक बार जो थम्सअप कर दो कि कौन कौन क्लास को ज्वाइन करने वाला है, क्योंकि आप अगर ज्वाइन करोगे वो क्लास तो हम करने वाले हैं 8 बजे उसका सेशन। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, हमने जो सेटअप तैयार किया है आई थिंक मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है, एक बार इसका ग्रुप वगैरह में शेयर कर देना। फिर चलिए आप आज का शुरुआत करते हैं। बिल्कुल पहला क्वेश्चन, विटामिन के का रासायनिक नाम बताना है आपको, ठीक है ना। विटामिन जो के है आपका, इसका रासायनिक नाम बताना है, कैल्सिफेरॉल, टेकोफेरॉल, नियासिन या फिर फिलोक्विनॉन। विटामिन के का रासायनिक नाम बताना है आपको। देखो फिलोक्विनॉन चार या पांच क्वेश्चन विटामिन्स के पहले वाले सेशन से रह गए थे, तो यहाँ पर आज मैंने कहा कि चलो यहीं पे अपन सेटअप कर देते हैं, नए टेस्ट के अंदर जोड़ देते हैं। बाकी देखो एग्रीकल्चर का है टेस्ट, विटामिन से तो कोई इतना है नहीं, पर फिर भी नेक्स्ट चलते हैं। और आप एक बार कमेंट करो यार जैसे कि क्या कि अपन फटाफट से चल सकें, और ये लाइव सेशन का जो संदीप यादव, हेलो, बिल्कुल हेलो सर जी, बिल्कुल आपको भी हेलो, ठीक है ना। एकता रुटासरा फर्स्ट में डी, ठीक है। तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो बिल्कुल सही बताया एकता आपने, फिलोक्विनोन जो है वो विटामिन के का रासायनिक नाम है। जब अपन बात करते हैं इसकी व्याख्या की तो ये आप देख लो, इसका जो सूत्र है वो आपको C31H46 और O2 दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन पर, मौला द्रव्यमान वगैरह भी है, ठीक है। व्यापारिक नाम यही है, अन्य अपन देखते हैं विटामिन K1 जो अन्य नाम इसके दे रखे हैं। विटामिन फाउंड इन द फूड यूज द डाइटरी सप्लीमेंट, देखो ये पढ़ लेना आप आराम से, PDF जब आपको प्रोवाइड करवा दी जाए तो ये पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग बनाने में सहायक होता है, KDCE बताओ भाई, कौन सा विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अच्छा एक्चुअली आज आपका कोई रिजल्ट आने वाला है 12th साइंस वालों का, तो किस किस का क्या क्या रिजल्ट आया है कोई बताओ फटाफट से कमेंट में कि क्या क्या रिजल्ट आए हैं जो 12th वाले हैं, या फिर जो आपके रिश्तेदार या भाई बहन छोटे वगैरह हैं जो भी, जिनके भी कोई कुछ परसेंटेज वगैरह यहाँ पर बताना, कमेंट वमेंट कर दो यार, और उनको मेरी तरफ से बधाई भी दे देना, और बोल देना कि अगर वो जेट की तैयारी कर रहे हो तो हमारा प्लेटफॉर्म तो है ही। और बेसिकली ऐसे स्टूडेंट को भी आप बताना जो जेट की तैयारी नहीं कर सकते हो किसी कोचिंग में फीस दे करके,
तो वहाँ के स्टूडेंट के लिए हम बता दें, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर जेट आईसीआर, पर्टिकुलर जेट आईसीआर बीएससी के लिए ही हमने ये संस्था शुरू की है, और ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पूरा, इसका कोई शुल्क है, बस क्या है कि फ़ोन और यूट्यूब होना चाहिए। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? विटामिन के, बिल्कुल विटामिन के इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू। अच्छा कोई है ही नहीं, किसी के कोई नहीं है क्या ट्वेल्थ में पढ़ने वाला? चलो ठीक है, अपन तो नेक्स्ट चलते हैं, अपने को क्या। लेकिन अगर कोई आए, कोई पढ़ना चाहे जिसके पास पेएबल नहीं हो वो किसी कोचिंग के लिए, तो यहाँ पर पढ़ सकता है। विटामिन शब्द किसने दिया था, विटामिन शब्द किसने दिया था ये बताना है। मेंडल, कैसिमीर फंक, लुइस पाश्चर या सिंक्लेयर, अब ये चारों में से आपको बताना है कि जो विटामिन शब्द है दोस्तों वो किसने दिया था भाई। बिल्कुल आप लोगों ने कर ली ट्वेल्थ, बिल्कुल बढ़िया है, बहुत बहुत अच्छी बात है भाई। ट्वेल्थ से तो फ्री हो गए। थ्री में बी, कैसिमीर फंक आपने बताया, ठीक है बिल्कुल राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ये विकिपीडिया के स्रोत से दिया गया है कि कैसिमीर फंक पोलैंड के जीव रसायन विज्ञ थे। देखो इतना शुद्ध हिंदी में है, इनका जन्म वारसा में 23 फरवरी 1884 को हुआ। इन्होंने स्विट्जरलैंड में बर्न विश्वविद्यालय पेरिस में इन्होंने वहाँ पर पढ़ाई करी थी। और किसके लिए जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं न्यूट्रिशनल रिसर्च, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ विटामिन। देखो विटामिन की बात आई गई यहाँ पर, इनकी कुछ किताबें के नाम भी नीचे दे रखे हैं, द विटामिन द कंपेरेटिव वैल्यू ऑफ लॉर्ड एंड बटर इन ग्रोथ। ये पढ़ लेना आप, जब आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवा दी जाए तो ये देख लेना आराम से। जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन बी सी ए बी, व इनमें से दो कोई नहीं, ए बी सी व डी, विच ऑप्शन इज द राइट ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। जल में घुलनशील विटामिन है बी सी ए बी या इनमें से कोई नहीं। फोर्थ के अंदर जो ऑप्शन आपने जवाब दिया है सी ऑप्शन इज द करेक्ट, बी व सी दोनों, जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा, रक्षा। ये कुछ छोटे मोटे जो टर्मोलॉजी के जो पॉइंट होते हैं ना विटामिन विटामिन के, ये पहले वाले टॉपिक से शायद आई थिंक छूट गए थे थोड़े क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि इनको कंप्लीट करते पहले। ये पांच चार पांच क्वेश्चन ये ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है ना। ए विटामिन इज द राइट ऑप्शन और क्वेश्चन नंबर फाइव। अब चलते हैं हमारे आज के बिल्कुल अच्छे शानदार सेशन की ओर। अब विटामिन से क्वेश्चन शायद नहीं आएगा, हो गई ये क्वेश्चन। खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मैन्यूरिंग जो कि एक विधि है बिल्कुल, कौन सी फसल के लिए सामान्यतः अपनाई जाती है? ये कौन सी, विच क्रॉप, ये आराम से बताना, थोड़ा इसको जूम भी कर देते हैं। फटाफट बताओ, ठीक है। सिक्स्थ में फोर, कोई नेटवर्क और कोई वॉइस इशू है या नहीं है एक बार चेक करवा देना, कोई कमेंट कर दो यार कि कोई नेटवर्क इशू है या नहीं है, और लाइक जरूर कर देना सेशन को क्योंकि जरूरी है लाइक करना। तो बिल्कुल बनता है, धान की सीधी बुआई के लिए खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मैन्यूरिंग जो कि एक विधि है, कौन सी फसल के लिए करते हैं? धान की सीधी बुआई के लिए सामान्यतः अपनाई जाती है, ध्यान रखना। कोई वॉइस इशू हो तो बता देना, संदीप जी आपसे पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बिल्कुल। अच्छा ये देख लो भाई, ये धान का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा, और जो धान यानी पेड़ी है, पेडिग्री वगैरह खाते कि नहीं खाते, डॉग्स वगैरह के लिए डॉग्स फूड। ओराइजा सटाइवा एक प्रमुख फसल है जिसे चावल निकाला जाता है, यह भारत सहित एशिया एवं विश्व के ठीक है। ये स्क्रीन पर एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना, एक बार ये स्क्रीन पर चेक कर लेना, जिससे क्या है कि अपन नेक्स्ट चल सकें। और
ठीक है यार, बिल्कुल। लाइव स्ट्रीम ऑफ है क्या? नहीं चल रहा। एक बार वापस से एक बार इसको लाइव करना और इसको शेयर करना जो जो चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, वापस से स्टूडेंट वापस जुड़ जाओ। ओके कोई बात नहीं, वापस इसको शेयर कर दो यार। वापस वो लाइन थोड़ी डिस्कनेक्ट हो गई थी, कोई और हॉटस्पॉट से हमने कनेक्ट कर लिया। देखो नेटवर्क का हमारे पास वो रहता है कि ये नहीं तो वो, अनदर ऑप्शन तो हमेशा रखते ही हैं हम। ठीक है ना संदीप जी, बिल्कुल आपकी लाइव स्ट्रीम बिल्कुल सही हो रही है नहीं हो रही है, कोई वॉइस इशू है या नहीं है, आप एक बार कमेंट कर कर हमें ज़रूर बता दें, जिससे क्या है कि अपन इसका सुलझा कर सके, इसका कोई ठीक है ना कोई इशू वगैरह नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं बिल्कुल आराम से, धीरे धीरे चलेंगे लेकिन आराम से चलेंगे। ठीक है बिल्कुल। नेक्स्ट है, फल उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रमुख ज़िला है। ये फलों के यानी कि फ्रूट प्रोडक्शन के हिसाब से बताना है आपको कि क्या रैंक बनती है पूरे राजस्थान के अंदर। नो ठीक है बिल्कुल ठीक है। नहीं ये तो ठीक है बिल्कुल, सी ऑप्शन जो गंगानगर यहाँ पर आंसर दे रहे हैं ना वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आंसर दे रहे हैं। और गंगानगर किसके लिए फेमस है अगर मैं कहूँ फ्रूट, एक मिनट रुको, अन्न का कटोरा, अन्न का कटोरा भी गंगानगर है क्या? यस या नहीं, यस या नो, थम्स अप कर दो अगर यस है तो। गंगानगर के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। वैसे भी गंगानगर बहुत बार पूछा जाता है, फूड बास्केट ऑफ राजस्थान श्रीगंगानगर विकिपीडिया के स्रोत से अगर अपने पता चलता है, ऑलमोस्ट 70 से 75% ऑफ पीपल्स लाइव वुड डिपेंड ऑन द फार्मिंग, यानी कि कृषि के ऊपर यहाँ पर बिल्कुल जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए जो पीपल है यहाँ के लोग हैं वो 70 से 75% यहाँ पर बिल्कुल ही ऑलमोस्ट फार्मर, फार्मिंग यानी कृषि के ऊपर निर्भर है। द ग्रोथ इन नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ क्रॉप लाइक वीट, राइस, शुगर कैन एंड आल्सो एक, पर बहुत सारी है फसलें लेकिन जो मुख्यतः फसलें हैं वो है गेहूं, चावल, फिर शुगर केन आ जाता है, गन्ना आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट है श्री गंगानगर, नेम्ड ऑफ द गंगा, जो गंगा नहर यहाँ पर चलती है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। स्टेट राजस्थान का है, सिटी इज़ द वाइडली नॉन एज द फूड बास्केट ऑफ राजस्थान एंड द ग्रीन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये सेकंड टर्मोलॉजी ध्यान रखना, ग्रीन डिस्ट्रिक्ट वाली सबसे लास्ट में देखना फर्स्ट लाइन। श्री गंगानगर सिचुएटेड बाय पंजाब सिविलाइजेशन एंड द इज़ आल्सो फेमस ऑफ द पंजाब ऑफ राजस्थान, ठीक है ना, भारत राजस्थान का जो पंजाब है ना, ये तीन चार टर्मोलॉजी ध्यान रखना। ठीक है ना, रीजन वाज द प्राइमरीली इनहेबिटेंट ऑफ राजस्थान हिंदू एंड सिख्स, ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा। एक बार थम्सअप कर लो फिर से नेक्स्ट चलते, थोड़ा जोर ले ही चलो, नेटवर्क प्रॉब्लम हमारी भी है। जुड़ली मतलब क्या है? ठीक है, द सिटी इज़ वेल्डली नॉन एज द फूड बास्केट ऑफ राजस्थान, जो हेड आपको हेडिंग आपको दिख रही है स्टूडेंट उसका ही देखना, एक बार थम्सअप कर दो फिर नेक्स्ट चलते हैं। आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी, वैसे भी पीडीएफ में पढ़ लेना यार क्या ही है, ठीक है ना, पीडीएफ में ये चीज़ आपको वैसे ही प्रोवाइड करवाई दी जाएगी, आराम से पढ़ लियो, समझाने का कुछ है ही नहीं इस वाले कॉन्सेप्ट में, क्योंकि कॉन्सेप्ट देना था गंगानगर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान बिकॉज एग्रीकल्चर की दृष्टि से तो आपको पता ही है कि टॉप फर्स्ट में आता है ये। फास्ट चलो, ठीक है जी फास्ट चलते हैं। रवि की फसल को राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सियालू, जायद, उनाड़ू, वो उपयुक्त में से कोई नहीं। रवि की फसल को राजस्थान में स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? एट में सी बिल्कुल राइट आंसर है, उनाड़ू जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में कृषि विपणन बोर्ड एवं निदेशालय का जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है? मार्केटिंग प्राइस जो तय करती है ना अपने प्याज वगैरह पे, इनमें सब पे जो भी वो नेशनल लेवल की संस्था जो है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है?
नाइन्थ में फर्स्ट जयपुर है, बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो नीम है वो जयपुर के अंदर है। ये फोटो आपको नजर आ रहा होगा पीडीएफ के अंदर, और स्थापित है 8 अगस्त 1988 के अंदर। निदेशक है डॉक्टर पी चंद्रशेखर जो है, डॉक्टर पी चंद्रशेखर वो इसके स्थानीय है, जयपुर राजस्थान डिस्ट्रिक्ट है ऑफ इंडिया। और ये मार्केटिंग प्राइस जो है वो तय करती है सबके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थान में कपास को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं? बेजट, बढ़िया, कोदरा व मेक्रोनी। ठीक है, बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा, राजस्थान में कपास को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं, ये आपको जवाब देना, 10वें क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, आप स्पीड में चलते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है आराम से पढ़ना तो चलो ठीक है, स्पीड में चलेंगे आप। ठीक है, 10वीं के अंदर जवाब दिया आपने, बी ऑप्शन इज द राइट, बढ़िया जो कहते हैं राजस्थान के अंदर कपास को। ठीक है, राजस्थान में सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म कहाँ पर स्थापना की गई है? रोजेट, बीकानेर, नदबई, भरतपुर, जोटवाड़ा, उदयपुर, जयपुर व सेवर भरतपुर। पता ना कि 11th के अंदर क्या होने वाला है। बिल्कुल ठीक है, 11th के अंदर जो ऑप्शन है, आपने सभी ने ऑप्शन बताया, कोई अभी कोई खास ऑप्शन नहीं आया है, बिल्कुल सभी ने जवाब नहीं दिया है अभी तक। ठीक है, फटाफट जवाब दे दो, 11th के अंदर राजस्थान में सीड मल्टीप्लिकेशन जैसे कि आप कहते हैं, पता नहीं है, रोजड़ी जो बीकानेर है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाता है। ठीक है ना, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 11th के अंदर खस का उत्पादन करने वाला प्रमुख जिले हैं, खस यानी कि जो एक सुगंधित घास है, घास आती है ना, खस शरबत वगैरह भी बनाए जाते हैं, उसको उत्पादित करने वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से होंगे? अलवर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर व नागौर, भीलवाड़ा। 12th की बात आ रही है, 12th क्वेश्चन की आंसर दीजिएगा, 12th के अंदर क्या होने वाला है? ट्वेल्थ के अंदर अब नेक्स्ट चलते हैं, आपने जवाब कोई नहीं दिया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर जो है वो खस उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले हैं। 12वीं में बी ऑप्शन इज द राइट। और खस की जब अपन बात करते हैं, खस एक खसखस यानी इसे ये भी कहते हैं, सुगंधित पौधा होता है, चित्र वित्र भी देख लो। इसका वनस्पतिक नाम आपको बताइए, वेजिटी वीरिया जिजेनिए आइडिस, थोड़ा अटपटा सा नाम है इसका, जिसकी व्युत्पत्ति तमिल शब्द से हुई, वेटिवर से हुई है, प्रतीत हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बिल्कुल ये पढ़ लेना आप, फैक्ट जो है बाद में आपको क्वेश्चन अगर डाउटफुल हो तो बता दिया जाता है। मादक पदार्थों के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी में है? जो आपको जो नशीले पदार्थ है उनके उत्पादन, पदार्थों के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी में? आगे है जयपुर, चित्तौड़गढ़, जालौर, धौलपुर। आपको बताना है 13 क्वेश्चन का आंसर बताना है कि जो मादक पदार्थ हैं वे उनके उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी में है। यार एक बार किसी ने भी सेशन को लाइक नहीं किया, एक बार मैं चाहता हूँ कि हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक द सेशन, बिकॉज यो आप लाइक करोगे तो हमको थोड़ा क्या कि वो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हमने कुछ अच्छा किया है, और कुछ तो मांग भी नहीं रहे आपसे, केवल लाइक ही कर दो यार। ठीक है, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वरना कोई ऐसा यू ज़बरदस्ती भी नहीं है कि लाइक करके ही जाना है, ऐसा कोई है नहीं, पर आप देख रहे हो अच्छे से, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। मादक पदार्थों के लिए चित्तौड़गढ़ इज़ द राइट ऑप्शन है, चित्तौड़गढ़ सोचना ही नहीं है कुछ ऐसे चित्तौड़गढ़ के बारे में, चित्तौड़गढ़ में सारे नशे भरे पड़े हैं। राजफेड़ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन में बिक्री करना, कृषकों को कृषि आदान उपलब्ध कराना, कृषि उत्पादन की खरीदी करना, विविध सभी कार्यों का करना, बताना है आराम से, कोई ज़्यादा हायर पेड नहीं करना, राजफेड़ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बताना है। कल परसों से अपन ठीक है ना, इसको थोड़ा बंद कर देना यार मोबाइल को। ठीक है, मांग चलो ठीक है, एक बार देखो कुछ नहीं मांगना हमने, हमें तो देखो राजफेड़ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बताना है। 14 के आंसर डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी यानी कि जो कृषि उत्पादों की बिक्री करना, कृषकों को कृषि आदान उपलब्ध कराना, ये सीधी 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 बातें हैं, कृषि उत्पादन की खरीदी करवाना, ये तीनों ही एक ही बातें हैं बेसिकली, और डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है। राज्य में राजीव गांधी कृषक साथी योजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? 14 में नहीं पता, कोई बात नहीं। राज्य में राजीव गांधी कृषक साथी योजना का जो प्रारंभ है वो किस वर्ष में किया गया था? आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कर दो, और यहाँ पर कमेंट जरूर करो, क्योंकि कमेंट करने से आपको ही कॉन्फिडेंस आने वाला है कि मैंने सवाल को कितना सही किया है, कितना करेक्ट किया है, क्वेश्चन को पुटअप करना सीखिए, देखने से कोई मतलब नहीं है।
किशन को पुटअप करना भी बहुत इतना जरूरी होता है जितना देखना। राज्य में राजीव गांधी कृषक साथी योजना का जो प्रारंभ है किस वर्ष में किया गया है, 1999, 2002, 1999 या फिर 2003? ये आपका जो सही आंसर आने वाला है वो है बी ऑप्शन, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 15 के अंदर 2002 में राजीव गांधी कृषक साथी योजना का जो प्रारंभ है वो किया गया था, ठीक है। 2002 इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 एंड वी विल गो इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? भाई राजस्थान का जो भारत में जो कृषि क्षेत्रफल है भारत का वो कुल कितना परसेंट भाग है वो बताना है आपको। 16 क्वेश्चन में आराम से टाइम लेके बताओ, कोई इतना भागा दौड़ी वाला काम नहीं है। राहुल जी आप लेट आए हो आज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी आया कीजिए, जिससे क्या कि क्लास का आपको अच्छा सा मज़ा मिल सके। कि क्या है कि फिर वो बात नहीं रहती कि आप बीच में आते हो, क्लास बीच से ही छोड़ देते हो। अब आपके देखो ना, इससे पहले जो 15 क्वेश्चन थे वो आपने देखे नहीं, मुझे पता है बाद में आप देख लोगे, लेकिन फिर भी देखो लाइव की बात तो लाइव ही रहता है। लाइव में रोज़ाना बने रहिए कि 4 बजे फिक्स 4 बजे शुरुआत हो जाती है। कभी कभी कोई अड़चन आ जाए तो 10-5 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाते हैं, बाकी ऐसा कोई इशू है नहीं। 16 के अंदर आप बी ऑप्शन बता रहे हो, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका, ठीक है ना। राजस्थान में कृषि जो अपन बात करें तो कुल क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर है, जो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, जो कि देश का 10.41% है। राजस्थान में देश का 11% क्षेत्र कृषि योग्य भूमि है। राज्य में 50% सकल सिंचित क्षेत्र है, जबकि 30% शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। राजस्थान का 60% क्षेत्र मरुस्थल है, 10% क्षेत्र पर्वतीय है, ठीक है। कृषि कार्य संपन्न नहीं हो पाता, पता ही आपको। तो 11% क्षेत्र कृषि योग्य भूमि है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आई होप कि आपको यह समझ आ चुका होगा, एक बार थम्सअप कर देना और नेक्स्ट चलते हैं। देश में उपलब्ध गेहूँ मक्का तथा तेल युक्त सोयाबीन में पौष्टिक आटा तैयार करने की जो परियोजना है वो कौन सी है? उद्यान सका, भागीरथ योजना, इंडियन मिक्स योजना या फिर सबल योजना। विच इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17? जो इंडियन मिक्स योजना तो है ना, इंडियन मिक्स योजना सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक है, बिल्कुल एकदम नाइस। देश में जो उपलब्ध गेहूं मक्का या तेल युक्त सोयाबीन से पौष्टिक आटा तैयार करने की जो परियोजना है वो है इंडियन मिक्स योजना। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जाता है। थैंक यू सो मच फॉर जवाब देने के लिए, एक्सेलेंट वर्क। एंड नेक्स्ट चलते हैं, गोचनी व बेजड़ का जो तात्पर्य है वो क्या है? जो कि एक इसमें मक्का एवं बाजरा के साथ चने का एक मिश्रण है बोना, गेहूं एवं जौ के साथ चना का मिश्रण, चना की फसल का एक रोग। अगर आठ ही जने जाकर लाइव स्ट्रीम में जुड़े हो, अगर आठों के जवाब आ जाए तो लाइव स्ट्रीम का अलग ही एक लेवल बन जाए और मज़ा आ जाए, क्योंकि मैं बहुत खुश होता हूँ कि अगर आप कोई जवाब देते हो गलत और सही का, तो कोई यहाँ पर कोई जज थोड़ी बैठे हैं जो गलत सही आपको, यार यहाँ कोई नंबर थोड़ी कट रहे हैं, एग्जाम थोड़ी है। तो आई थिंक सबको जवाब देना चाहिए, मेरी ओर से आपसे रिक्वेस्ट भी है, ठीक है ना। गोचनी में बेजड़ का जो तात्पर्य बताना है, जो कि एक किस्म है मक्का एवं बाजरा के साथ जो चने का एक मिश्रण है, या फिर गेहूं या जो के साथ चना का मिश्रण है, चना की फसल का एक रोग है। 18 क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है आपका, गेहूं एवं जो के साथ चना का एक मिश्रण है। नेक्स्ट चलते हैं, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों में वर्षा काल में बड़े बड़े गड्ढे बनाकर पानी एकत्रित कर लिया जाता है, वो क्या कहते हैं उन्हें, वो क्या क्या बना लेते हैं, वो टैंक जैसे बना लेते हैं ना, जिन्हें क्या कहते हैं मारवाड़ी में, ठीक है अभी याद नहीं आ रहा। और पानी सूखने के बाद बीज टाके बनाते हैं ना वहाँ पे, तो सर्कस वाले हैं सर, ठीक है, एकत्र कर लिया जाता है। पानी सूखने के बाद बीज बो दिए जाते हैं, इस प्रकार की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? देखो वहाँ पर टाका बनाते हैं ना, टाका नहीं बनाते क्या जैसलमेर में? तो टाके बनाते ना, टाकों में वो फल वो इकट्ठा करते हैं पानी को, आपने सुना होगा कभी। खड़िन कहाँ से हो गया खड़िन कहाँ से हो गया, जैसलमेर में खड़िन करवाओगे आप? तो देखो मेरी बात सुनो, टाका बनाते हैं वहाँ पे, रेगिस्तानी इलाका है, पानी तो होता नहीं, तो भूमि के अंदर उसको इकट्ठा करते हैं। देखो कुछ नहीं होता, टाका बहुत ज़्यादा गहरा खड्डा कर देते हैं, उसके अंदर सारा पानी स्टोर हो जाता है, फिर उसको ढक देते हैं। ढकने के बाद फिर जब भी खेती की जाती है तो उस टाके में से ही पानी निकाला जाता है। खड्डा बहुत बड़ा होता है वैसे और ज़्यादा गहरा भी होता है, और वहीं पर पानी स्टोर किया जाता है, पीने के लिए भी वहीं पर ही उपयोग में लिया जाता है बेसिकली। बट विकी चौधरी जी रोज़ आइए कीजिए हमारे जवाब में, आपका इंतजार रहता है हमें, क्योंकि जब तक आप नहीं आते हो कल से स्टार्ट नहीं होगी हमारी क्लास, तो ध्यान रखिएगा रोज़ आ जाइए,
टाइम से आ जाइए कीजिए। तो ठीक है ना, टाका बनाते हैं। टाके में एक खड्डा होता है, जैसे अपने टैंक वगैरह बनाते हैं ना, होद वगैरह घर के बाहर इधर, तो वैसा एक खड्डा होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बिल्कुल, वर्ष 1994 राजफेड़ ने किस समिति की सिफारिशों के अनुमोदित में राज्य के कृषक सेवा केंद्रों की स्थापना की थी? ये जो समिति थी, ये थी खाजूवाला समिति। आपको इससे कोई लेना देना नहीं, आईसीआर वालों के लिए है ये। ठीक है ना, राज्य के किन किन जिलों में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय स्थित है, ये आपने लेना देना है। बिल्कुल है, इसका जवाब दो आराम से, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य में किन जिलों में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड कार्यालय स्थित है? विकी जी, आप टाइम से आते हो तो आज कमेंट लेट क्यों कर रहे हो, ये बताओ आप। अनुज ठाकुर जी, आप भी जल्दी आ जाइए, कि आपने शुरुआत में लाइव ज्वाइन किया था लेकिन बाद में आपने जवाब देना बंद कर दिया, पता नहीं क्यों। इक्कीस के अंदर जो सी बता रहे हो, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। जो कोटा व जोधपुर है वो यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है ना, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार के तकनीकी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में किस फसल के उत्पादन में विशेष सहायता मिलती है? चाहे वो अनाज है, दलहन है, तिलहन है या फिर कपास है? नहीं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है। अरे कैसे ध्यान नहीं देंगे आप पे, बिल्कुल ध्यान देंगे विके जी, ऐसी बात नहीं है कुछ। ठीक है ना, 22 में सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तिलहन के ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, तिलहन। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में सोजत मेहंदी के लिए विख्यात, इसके अलावा राज्य में किस स्थान में मेहंदी अच्छी किस्म के लिए प्रसिद्ध है? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सोजत मेहंदी के लिए विख्यात है ये तो हमें पता है, इसके अलावा राज्य में किस स्थान पर मेहंदी की अच्छी किस्म के लिए प्रसिद्ध है? क्या वो राजस्थान, जालौर, जोधपुर, पाली, इनके बताना है आपको? और चेती चश्मा गुलाब कहाँ की प्रसिद्ध है? हिंट दे देते हैं, चलो ठीक है, एक्सलेंट। जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है आपका, जो राजसमंद है गिलुंड और राजसमंद है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। 34, कौन सा युग्म असंगत है? बताओ भाई कौन सा युग्म असंगत है, और अगर असंगत है तो संगत भी बता दो। बिल्कुल अनुज कुमार जी, ए इज द राइट आंसर, खमनो रासमन। बिल्कुल रासमंद, कभी अगर घूमने वगैरह जाओ तो जाना जरूर, हल्दीघाटी वगैरह अच्छा प्लेस है वहाँ पे, और कुंभलगढ़ तो है ही। ठीक है ना, अच्छी प्लेस है घूमने के हिसाब से भी अच्छा है, और ये चेती चश्मा वाला बाग भी ठीक है। तो इसका जो डी ऑप्शन दे रहे हैं, मोठ बाड़मेर, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका, एक्सीलेंट वर्क। ठीक है ना, ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है बताइएगा? जो खजूर का जो अनुसंधान केंद्र है वो राजस्थान के अंदर कहाँ पर स्थापित किया गया है? 25 क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, और आई थिंक कोई इशू है नहीं आज, तो चलते हैं। देखो नेटवर्क इशू होते हैं, हम ठीक कर लेते हैं, ऐसा कोई यू है नहीं कि भाई। और लास्ट वाली केमिस्ट्री क्लास कैसी रही, इसका तो आप लोगों ने कभी कमेंट या कुछ करके बताया भी नहीं, एक बार बता दो यार कि लास्ट वाली केमिस्ट्री क्लास कैसी रही आपकी, क्या कोई डाउट वगैरह रहा हो तो भी बता देना।
और अगर होता तो आपको पूछने का हक बनता है पूरा, ऐसा कोई यूँ नहीं है कि पूछने में कुछ हो जाता है, पूछो बिल्कुल कोई दिक्कत है नहीं। लास्ट वाली केमिस्ट्री क्लास भी बहुत अच्छी रही आई थिंक। और रही बात खजूर अनुसंधान केंद्र की, तो आपको पता है कि वो बिछवाल अपने बीकानेर के अंदर स्थित है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो पहले अपन ने कर रखा है। वैसे नेक्स्ट चलते हैं। जिस प्रकार राज्य, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, जिस मोमेंदी वाले टाइप का क्वेश्चन है कि जिस प्रकार राज्य में झालावाड़ संतरा उत्पादन में प्रथम है, प्रसिद्ध है बिल्कुल है, नागपुर है वो, उसी प्रकार लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध स्थान बताओ। सेम उस लेवल की बात हो रही है भाई, जिस प्रकार जैसे अपन कहते हैं ना नागपुर, राजस्थान का नागपुर झालावाड़, उसी प्रकार लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध स्थान बताना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें फोर बताया कोटा, ठीक है। और आंसर आने दो फटाफट से, सारे स्टूडेंट आंसर दे दो, विकी जी वगैरह सब दे दो, फटाफट आंसर दे दो यार, नेक्स्ट चलते हैं आराम से। और क्या, ये क्वेश्चन को लेकर थोड़ी बैठे रहेंगे, सही है ना। जयपुर एंड कोटा दोनों ही है, जयपुर एंड कोटा दोनों ही है, बी ऑप्शन यहाँ पर जिन्होंने जवाब दिया है, मथानिया जोधपुर इज द राइट आंसर। एक्चुअल में फैक्चुअली राइट आंसर है ये बी ऑप्शन, जो मथानिया जोधपुर है वो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जोधपुर कोटा और सवाई माधोपुर नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। लाल मिर्च के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है ना वो मथानिया जोधपुर में। एक्चुअली इस बात को आप करेक्ट कर लेना इस बार, और कहीं वो आपकी वो जो बुकों में कहीं भी लिखा हुआ हो या फिर कहीं भी आपने गलत पढ़ रखा हो तो वहाँ पर काट कर यहाँ पर सही लिख देना, ठीक है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है संदीप यादव, बिल्कुल आपने जवाब दिया है, ठीक है बिल्कुल संदीप, नाइस आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली जो दलहनी फसल है वो बतानी है आपको, मोठ उड़द चना व सोयाबीन। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली दलहनी फसल बतानी है आपको, मोठ उड़द चना व सोयाबीन। मोठ उड़द चना व सोयाबीन, ठीक है, फैक्चुअली बोला है मैंने। देखो सर्वाधिक क्षेत्र पर जो दलहन बोली बोई जाती है वो मोठ है, मोट नहीं होगी क्या? बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली जो दलहनी फसल है वो चना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, गोल्डन ड्रॉफ याद आया कुछ, ठीक है। राजस्थान में हाल ही में उद्यानिकी, नहीं है बिल्कुल नहीं है तो ठीक है ना। राज्य में हाल ही में उद्यानिकी विकास को, यानी कि जो बागवानी की बात हो रही है आपने, बढ़ावा देने तो किस संस्था का गठन किया गया है भाई, ये बताना है आपको। क्या रही है आज तो नेटवर्क ग्लिच ही कर रहा है। राज्य में हाल ही में जो उद्यानिकी विकास का जो बढ़ावा देने के लिए किस संस्था का गठन किया गया है, राज्य उद्यानिकी विभव आत्मा व एजोरबा। अट्ठाईस में दो बता रहे हो, देखो 28 में ये ऑप्शन होगा जो राजहंस है ना, ये वैभव वैभव नहीं है। राजहंस जो है राज्य में हाल ही का मतलब कि अभी इन दिस, ठीक है, इन दिस टाइम, तो ये अभी हाल ही में उद्यानिकी विकास के बढ़ावा देने के लिए किस संस्था का गठन किया गया है, राजहंस का। बिल्कुल एकता ने बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जवाब दिया है, सोच विचार के आराम से समझ कर आंसर दिया है, लेकिन वो 29वें का आंसर दिया है उन्होंने, तो 28वें का आंसर दो, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है राजहंस, ठीक है ठीक है। बिल्कुल संदीप जी आपको बिल्कुल हम बता देंगे राजहंस वगैरह के बारे में, थोड़ी आप पूछो तो सही एक बार व्हाट्सएप में या फिर टेलीग्राम में आके आपसे बिल्कुल जवाब देंगे, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, 28 की जगह 29 टाइप हो गया होगा, ठीक है। राजस्थान में कुल कृषि क्षेत्रफल का कितना लगभग जो परसेंटेज है वो खरीफ के मौसम के लिए बोया जाता है, मैंने रबी का नहीं पूछा, खरीफ का पूछा है, तो जिसका पूछा है उसी का जवाब देना है। और मैं ये एक हिंट के रूप में अगर दूं तो काफ़ी मतलब जब आधे से भी ज़्यादा जो परसेंटेज है वो खरीफ के लिए यूज में होता है, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही आपके यहाँ पर गलत हो गए, लेकिन दो का आंसर देना है।
65% इज द राइट आंसर। विकी चौधरी, एकता दुटासरा, संदीप यादव, बिल्कुल आपने सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए पढ़ते हैं, राजस्थान में कुल जो कृषि क्षेत्रफल का जो लगभग दो तिहाई जो भाग है, 65% जो भाग है वो वर्षा पर आधारित खरीफ के मौसम के लिए बोया जाता है, और शेष जो भाग है 35% वो रबी के लिए बोया जाता है। ठीक है ना, एक बार थम्सअप कर दो, फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, कुल क्षेत्रफल का लगभग दो तिहाई भाग 65% की बात हो रही है खरीफ के मौसम के लिए, और उसके बाद शेष लगभग 35% जो आता है वो भाग रबी की फसल के लिए बोया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखना। आज का तीसरा क्वेश्चन है, कृषि जोतों के औसत आकार की दृष्टि से राजस्थान देश में किस स्थान पर है, ये बताना है आपको भाई, राजस्थान किस स्थान पर है पूरे देश के अंदर। ए बिल्कुल प्रथम स्थान पर है आपका, ये बिल्कुल राइट आंसर है सभी का, और अब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं। तो अभी एक बात इंपॉर्टेंट है कि आज शाम को 8 बजे एक क्लास होने वाली है, ठीक है ना, 8 बजे इवनिंग की एक क्लास होने वाली है, उसमें सभी जनों को आना है, और वहाँ पर जो है वो क्लास बेसिकली क्लास होने वाली है आपके क्रॉप के ऊपर, जो क्रॉप के जो नाम होते हैं ना, बेसिकली जो उपनाम क्या है, किंग ऑफ फ्लावर, फ्रूट ऑफ किंग ऑफ फ्रूट, ऐसे जो आते हैं ना, वो उनके ऊपर अपन चर्चा करने वाले, वो वेजिटेबल्स भी आने वाली है, उसके अंदर फसलें भी आने वाली है। तो 8 बजे एक इवनिंग में एक सेशन होने वाला है जो लाइव होने वाला है बिल्कुल, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, उसका लिंक वगैरह और आपको जो सोचना है, ओनली क्रॉप ही है, बिल्कुल क्रॉप ही है, लेकिन फिर भी वेजिटेबल वगैरह कुछ आ जाती है जो वो भी अपन ले लेंगे, क्योंकि क्या है कि उपनाम वगैरह को यार एक बार पढ़ के उनको ख़त्म करते हैं, और एक PDF वगैरह आपको प्रोवाइड वैसे करवा दी जाएगी, तो आपके पास सेव पड़ा रहेगा ये चीज़, और उसको नोट डाउन भी कर लेना। तो 8 बजे इवनिंग में एक क्लास होने वाली है, तो एक बार थम्सअप कर दो कौन कौन आने वाला है, उसके बाद फिर अगर रखें। सो नाइस क्वेश्चन सर, ठीक है बिल्कुल, क्वेश्चन तो नाइस होता ही है, बस ये है कि इस बार एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो शाम को रखते हैं ये क्लास, क्योंकि इवनिंग में चलो ठीक है, आराम से टाइम निकाल कर आना, ठीक है। विकी जी आपको भी आना है, संदीप यादव, ठीक है बिल्कुल, थम्स अप कर दो आराम से। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड वी विल गोइंग टू मीट द 8 PM, सॉरी, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, फिर मिलते हैं, जय जय हिंद और जय भारत।